दोस्तों हम सभी के फोन में गूगल मैप होता है, लेकिन गूगल मैप के अंदर में बहुत सारे ऐसे गुप्त सेटिंग होते हैं, गुप्त ट्रिक होते हैं जो आज तक बहुत से लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग यही जानते हैं कि गूगल मैप का काम सिर्फ इतना है कि किसी भी जगह का सर्च कर पता करना कि वह जगह कहां पर है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, गूगल मैप के अंदर में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग है जिसे यदि आज आप जान जाते हो तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल चुटकियों में हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है और आपके फ़ोन में गूगल मैप तो होगा ही होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जो मैं गूगल मैप की तीसरी सेटिंग बताऊंगा ना, वह सेटिंग बहुत ही पावरफुल है। एक बार अगर आप इस गूगल मैप की फुल सेटिंग को सीख लेते हैं ना, तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्व आज होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गूगल मैप की कुछ हिडन सेटिंग के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो हमारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को गूगल मैप की वह सेटिंग के बारे में बताएंगे जिसे जान लेने से दोस्तों आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे चुटकी में हो जाएगा। और इसमें जो तीसरे नंबर की सेटिंग है ना दोस्तों, उसको आप जरूर देखकर जाइएगा। यह सेटिंग इतनी पावरफुल है गूगल मैप की, जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। भविष्य में कभी ना कभी यह जो तीसरी सेटिंग है ना, कभी ना कभी आपको जरूर काम आएगी और बहुत इससे आपको फायदा हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली सेटिंग के बारे में समझिए, पहली सेटिंग क्या है। देखिए दोस्तों, हर फोन के अंदर में गूगल मैप होता है। आपको इस गूगल मैप को आपको यहां पर ऑन करना है, यानी कि जैसे गूगल मैप को आप यहां पर इस तरीके से ऑन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जो भी आपका लोकेशन होगा कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आप लोगों को यहां पर पहली सेटिंग बता रहा हूं, पहली सेटिंग है दोस्तों यहां पर कॉर्नर में देखोगे कि लोगो है, इस लोगो पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे लोगो पर क्लिक करेंगे यहां पर सेटिंग होगा, इस सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहां पर बहुत सारी सेटिंग आ जाएगी। आपको इस तरीके से स्क्रोल कर नीचे की ओर बढ़ेंगे, यहां पर आप लोगों को एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है नेविगेशन सेटिंग। आपको इस नेविगेशन सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों नेविगेशन सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ेंगे, आप लोगों को यहां पर एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम है सी टोल पास प्राइज। दोस्तों यह बटन होगा पहले से बंद होगा, इस बटन को आपको ऑन कर देना है। दोस्तों इस बटन को ऑन करने से होता क्या है यह समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप फोर व्हीलर से कहीं भी जा रहे हैं और आपको यह नहीं पता है कि आगे कौन सा टोल प्लाजा आपको पड़ने वाला है, और आप अपने फ़ोन के अंदर में अगर इस गूगल मैप एप्लीकेशन के अंदर में यह सेटिंग को ऑन कर देते हैं और जैसे आप ड्राइव कर आगे जा रहे हैं और रास्ते में कोई भी टोल प्लाजा अगर आपको आने वाला है, जैसे आप टोल प्लाजा के कुछ किलोमीटर पीछे रहेंगे वैसे ही आपको आपके गूगल मैप द्वारा एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि इस आगे एक टोल प्लाजा पड़ने वाली है और इस टोल प्लाजा पर आपके इतने पैसे लगेंगे। आपको पहले ही गूगल मैप आपको बता देगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आगे टोल प्लाजा पर हमें कितने पैसे हमें देने हैं। आप यहां पर पढ़ सकते हो सी टोल पास प्राइज, ठीक है। तो इस बटन से आप यह बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह गूगल मैप की पहली सेटिंग थी जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों गूगल मैप की दूसरी सेटिंग और तीसरी सेटिंग, तो दोस्तों बहुत ही पावरफुल है, उसको ज़रूर देखना। तो दूसरी सेटिंग क्या है ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप लॉन्ग ड्राइव पर कहीं पर जा रहे हैं और आपकी फ़ोन की बैटरी, आपको टेंशन है कि गूगल मैप पर हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो हमारी फ़ोन की बैटरी अंदर ही अंदर ख़त्म भी होती है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप अपने फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हैं। गूगल मैप के अंदर में एक ऐसी सेटिंग दी हुई है जिससे दोस्तों आप अपनी फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखोगे कि कॉर्नर में लोगो है, इस लोगो पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर सेटिंग है, इस सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में ही एक सेटिंग है जिसका नाम है ऑफलाइन मैप सेटिंग, इसके ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि ऑटो अपडेट ऑफलाइन मैप, ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड मैप,
ठीक है, आपको यह दोनों बटन को यहाँ पर ऑफ कर देना है। दोस्तों यह ऑफलाइन मैप हो गया, जैसे कि अब आप यहाँ पर कोई भी चीज़ को सर्च करोगे जिससे आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि यह जब गूगल मैप ऑन होता है और आप कहीं ड्राइव करते हो तो सबसे ज़्यादा आपके गूगल मैप में ही बैटरी खर्च होता है। तो इस ऑटो अपडेट ऑफलाइन मैप को ऑफ करने से, ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड मैप को ऑफ करने से आपकी फोन की बैटरी बहुत अच्छा बचेगी। तो अगर आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और आपको बैटरी खत्म हो रही है तो इस सेटिंग को आप जरूर बंद कर देना, और जब आपको जरूरत पड़े कोई भी चीज को सर्च करना है मैप वगैरह पर तो इस बटन को ऑन कर आप सर्च कर लेना। तो एक चीज का आप ध्यान जरूर रखना कि सबसे ज्यादा बैटरी यही दो बटन को ऑन होने से खर्च होती है। तो यह सेटिंग आप अपने गूगल मैप में जरूर से जरूर करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग, थर्ड सेटिंग, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। ये दोस्तों इस सेटिंग से आप क्या करोगे, यह सेटिंग बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी जंगल में चले गए हो, ऐसे जंगल में चले गए हो कि वहां से आपको निकलना मुश्किल है, आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो, या मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे जगह पे गए हो जहां पे कोई भी चीज आप छुपाना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कीमती चीज है, आप किसी भी जंगल में आप छुपाना चाहते हो, आप जंगल में चले तो गए हो लेकिन आपको यह डर है कि हम यहाँ तो छुपा देंगे लेकिन बाद में कहीं हम भूल ना जाएं यह कौन सी जगह है, तो वैसे समय में आप अपने गूगल मैप का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको गूगल मैप को ऑन करना है, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर आप छुपाने जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर आपको गूगल मैप को ऑन कर लेना है। जैसे गूगल मैप को ऑन करोगे तो आपका गूगल मैप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे सर्च का आइकन होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी चीज़ आप मान लो छिपाना चाहते हो उसका कोई एक नाम रख लेना, जैसे कि आप जंगल भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कार पार्किंग भी सर्च कर सकते हो। तो मैं कार पार्किंग ही सर्च कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ को सर्च करना। इस तरीके से जब सर्च करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि एक बार जो ये तीर है ना, इस तीर पर आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों तीर पर क्लिक करोगे जो भी आपका करंट लोकेशन होगा वह आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर ब्लू कलर की एक यहाँ पर बत्ती जल रही है जो आपका लाइफ लोकेशन है, आपको इस पर एक बार टैप करना है, ठीक है दोस्तों। इस पर टैप करोगे, जैसे दोस्तों इस पर एक बार आप टैप करोगे तो यहाँ लाल रंग की आपको करंट लोकेशन आपको आ जाएगी और नीचे इतनी आपकी सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पर नीचे देखोगे कि यहाँ पर एड लेवल का एक ऑप्शन आ गया है, आपको इस एड लेवल पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ऐड लेवल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंटर एक कस्टम नेम का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे कि आप मान लो कोई चीज़ को छुपा रहे हो या कहीं भी जगह का लोकेशन देखना रहे हो, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैसे हैं तो आप पैसा छुपा रहे हो, तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर आप लिखना चाहते हो कि पैसा, पैसा लिख लो, रुपया लिख लो, चाहे जो भी लिख लो, आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। पैसा लिखने के बाद में आपको इस पैसे पर क्लिक करना है। जैसे पैसे पर क्लिक करोगे यह हो गया आपका योर पैलेस इज सेट, पैसे नाम से आपका यह लोकेशन सेव हो गया, आपको डायरेक्टली यहां से कट कर देना, ठीक है। कुछ दिन के बाद जब अब आप उस जगह पर जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस जगह पर मैंने वो चीज़ को रखा था, तो आपको वहाँ पर करना क्या है कि वहाँ पर जाकर अपने गूगल मैप को इस तरीके से ओपन करना है। जैसे गूगल मैप को ओपन करोगे तो आपके फोन में नीचे सेव्ड का ऑप्शन होगा, बस इस सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो जिस नाम से अगर आपने अपना सेट किया होगा, जैसे मैंने पैसा नाम से सेव किया था, तो यहां पैसा देखिए एक फाइल बन गया है, बस इस फाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर डिस्टेंस का ऑप्शन है, बस डिस्टेंस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों मैंने माई पार्क नाम से इस तरीके से मैंने क्या किया था कि यहां पर इसको देखिए माई पार्किंग से मैंने छुपाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रकार का एक लोकेशन बन गया है जिसमें यह बताता है कि जो चीज़ मैंने यहाँ छुपाया था वह चीज़ करंट में यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो। भविष्य में कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप कहीं रख देते हो ऐसी जगह पर जहाँ पर आप फिर को डर लगता है कि हम कभी वहाँ पहुँच ना पाएँ, तो वहाँ पर इस गूगल मैप का आप उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को गूगल मैप की इन्हीं सेटिंग के बारे में बता
बता रहे थे। वीडियो हमारी हेल्पफुल लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।